महाराष्ट्र में गोविंदाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के सीएम शिंदे के बयान पर राजनीति अब गर्म होने लगी है। शिंदे सरकार के फैसले को लेकर छात्र संगठन और विपक्षी दल अब आक्रामक हो गए हैं। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने इसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि गोविंदाओं को नौकरी में आरक्षण कैसे दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठा कि नौकरियों के लिए मानदंड क्या होंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में दही हांडी को खेल की श्रेणी का मान्यता देने की घोषणा भी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रो दही हांडी की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही गोविंदाओं को खेल कैटेगरी में जॉब दी जाएगी। सीएम ने इसके साथ ही सभी गोविंदाओं के लिए 10 लाख रुपए बीमा कवर देने के लिए भी कहा था। बता दें कि महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन ही हांडी का खेल खेला जाता है। इस दौरान ऊंचाई पर लटकी मक्खन की मटकी तक पहुँचने के लिए गोविंदा मानव श्रृंखला बनाते हैं। इसके लिए टोलियां बनाई जाती हैं। पहले दही हांडी फोड़ने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। अब इस घोषणा को लेकर महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा, इसके लिए मानदंड क्या होंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी या अर्धसरकारी नौकरी देने के लिए ओलंपिक टीम की मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसे में दही हांडी में गोविंदा के लिए क्या योग्यता होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, छगन भुजबल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह प्रदेश तमाम गोविंदाओं की भावनाओं से खेलने और उन्हें धोखा देने जैसा होगा। छगन भुजबल ने कहा कि आरक्षण के बावजूद इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी है। भुजबल ने मांग की कि देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाली कविता राउत, अंजना थमके को पहले नौकरी दी जाए। इन खिलाड़ियों को भी नौकरी नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि सरकार सक्रिय नहीं है, खिलाड़ी नियमों के जाल में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही। उन्होंने कहा कि गोविंदाओं को 5% आरक्षण देने का विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन पहले उन्हें न्याय दें। कुल मिलाकर के यह है कि महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और गोविंदाओं को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई, उस पर अब विरोधियों ने भी शिंदे सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर गोविंदाओं पर राजनीति एक बार फिर से महाराष्ट्र में चरम स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि गोविंदाओं की राजनीति महाराष्ट्र में काफी पुरानी रही है। इसके पहले बाला साहेब ठाकरे भी गोविंदाओं के जरिए ही राजनीति की पैठ को मजबूत करते थे। अब एक बार फिर से सीएम शिंदे ने ही बाला साहेब ठाकरे के दिखाए हुए रास्ते के जरिए महाराष्ट्र में गोविंदाओं पर राजनीति शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि इस तरीके का ऐलान करके सरकार गोविंदाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, जबकि सबको पता है कि इस तरीके से सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन सरकारी नौकरी का लालच देकर के शिंदे सरकार फिलहाल चुनावी फायदे के लिए इस तरीके का ऐलान कर रही है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि जिस तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे ने इसको खेल की श्रेणी में रखा है और इसके बाद दही हांडी फोड़ने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात कही है, उसके बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ आएगा या नहीं। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे को अब सामंजस्य बना पाना भी मुश्किल होगा। देखना दिलचस्प होगा। इन तमाम सवालों के साथ विपक्षियों के विरोध का सामना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैसे करते हैं और इस पर क्या निर्णय लेते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।